नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टॉप एजुकेशन में। इस समय हम पढ़ेंगे राष्ट्रध्वज, जो लिखा गया है हरिवंश राय बच्चन ने। हरिवंश राय बच्चन ने एक और कविता लिखी है आपके टेक्स्ट बुक में, जिसका नाम है कलियों से। तो हरिवंश राय बच्चन ने ये कविता क्यों चुनी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग भूल रहे हैं अपना मान सम्मान किसके प्रति, राष्ट्रध्वज के प्रति। राष्ट्रध्वज क्या होता है? नेशनल फ्लैग ही नहीं होता है, वो हमारा सम्मान है। हम भारतीय का वो एक ऐसा झंडा है जो हमेशा लहराता रहता है ना। तो चलिए बढ़ते हैं, एक क्विक मतलब आसान और पूरा सारांश पढ़ लेते हैं जल्दी से। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। इस पोएम में, इस कविता में ये बोलना चाहते हैं कि लोग भूल चुके हैं राष्ट्रध्वज के, क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंस लोग भूल गए हैं। अब जब जनगणमन चलता है, सब लोग इधर उधर भागते हैं, कोई भी खड़ा नहीं रहता, एक पल भी नहीं। और उन लोगों को पता नहीं कि ये जो चल रहा है ये सदियों से चल रहा है। और हमें ये तो मानवता के एक प्रथा होती है ये सब करना, हमारा ये कर्तव्य होता है मानवता, है ना। देखिए कितने लोग मर गए, कितने जवान, कितने लोग शहीद हो गए सिर्फ एक झंडे के लिए, सिर्फ एक आज़ादी के लिए। और हम लोग इधर आराम से बैठे हैं क्योंकि उन लोगों ने हमारे लिए कुछ किया। तो एक जज्बा रखिए अपने दिल में कि हाँ, कुछ करके दिखाना है हमें हमारे भारत के लिए। तो आगे बढ़ते हुए कहते हैं, ये झंडा, ये राष्ट्रध्वज हिमालय पर्वत के ऊपर सजा हुआ है, और कहीं सारी जगह, कहीं सारे स्टेट्स, कहीं सारे राज्य, कई सारे राज्यों में ये झंडा लहराया जाता है गर्व से, गर्व से, गर्व से। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर हमारा क्या है कि पूरे भारत में ये शान से लहराता रहता है, शान से लहराता रहता है। और ये कि कौन, राष्ट्रध्वज किसी के नीचे झुका है और कभी नहीं झुकेगा, और कभी भारतीय लोगों को झुकने नहीं देगा। लोग, दूसरे लोग करते हैं विश्वासघात, लेकिन हम भारतीय हैं, हम, हमारा राष्ट्रध्वज कभी भी, हम लोग कभी भी ऐसे काम नहीं करते हैं, क्योंकि हम भारतीय हैं और ये हमारा राष्ट्रध्वज है। तो राष्ट्रध्वज को और किन किन कलर से, यानी किन किन रंग से जाना जाता है, जैसे सफ़ेद, नारंगी और केसरी। आपने देखी होगी केसरी मूवी, केसरी फिल्म, जिसमें दिखाया गया है कि अपने देश के प्रति कुछ कर दिखाओ। एनसीसी लोग जानते हैं ये सब, एनसीसी लोगों को ये चैप्टर देंगे ना, पूरा आपका ये बना देंगे, एक सिलेबस ही बना देंगे राष्ट्रध्वज के ऊपर, क्योंकि उन लोगों को एक्सपीरियंस है कि कैसे होता है, क्या होता है राष्ट्रध्वज, क्या है, हमें कैसे रहना चाहिए, रूल्स डिसिप्लिन होता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इस में और बोला गया है, जब एक सिपाही, जब एक सोल्जर, जब एक सिपाही भारत के लिए अपनी जान दे देता है, तब उसको राष्ट्रध्वज में लपेटा जाता है, राष्ट्रध्वज का सम्मान दिया जाता है, और तब वह, उसकी जो शरीर या उसकी जो आत्मा मुक्त हो जाती है, क्योंकि उसने कुछ करके दिखाया है अपने भारत के लिए। तो चलिए दोस्तों, यही था हमारा सारांश राष्ट्रध्वज, जो लिखा गया है हरिवंश राय बच्चन ने। अगर आपको अच्छा लगता है तो भूलिएगा मत हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, और एक लाइक का बटन तो दे ही दीजिए। धन्यवाद, देखते रहिए टॉप एजुकेशन।